हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में परचेज की एंट्री करना बताएंगे। सबसे पहले हम परचेज टैब पर क्लिक करेंगे, नेम पे सप्लायर का नाम लिखेंगे। अगर पहले से परचेज कर चुके हो सप्लायर से तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। अगर न्यू सप्लायर है तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। परचेज इनवॉइस नंबर, डेट, मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। जीएसटी नंबर लिखेंगे, एड्रेस, अगर आपके सप्लायर ने आपको परचेज की एक्सेल प्रोवाइड करवाई है तो आप एक्सेल डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आइटम का बारकोड है तो यहाँ से स्कैन करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसे आप बाद में ऑटो जनरेट करके प्रिंट कर सकते हो। यहाँ आप आइटम ब्रांड सेट कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट रहेगा कि आप आइटम्स की ब्रांड वाइज रिपोर्टिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप आइटम नेम लिखोगे, अगर ऑलरेडी है तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करोगे, अगर न्यू है तो सारी डिटेल लिखेंगे। आइटम नेम, कैटेगरी, स्टॉक टाइप, यूनिट, क्वांटिटी, परचेज रेट, HSN नंबर, GST, सेल प्राइस सेट करेंगे। अब MRP सेट करेंगे, एंटर कर देंगे। अब हम आपको बैच लॉट वाइज में एंट्री करना बताएंगे। बैच लॉट वाइज में वो आइटम्स आती हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं, जैसे फूड आइटम्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। स्टॉक टाइप में हम बैच लॉट वाइज सेट करेंगे। GST सेट करेंगे, अब एंटर करेंगे। एक आइटम के मल्टीपल बैचेस होते हैं जो अलग अलग एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं। यहाँ हम बैच नंबर डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। बेस्ट बिफोर में आप मंथ सेलेक्ट कर लोगे। इसका ये बेनिफिट रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डालोगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक्सपायरी डेट कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपके बैचेस का अलग अलग बारकोड आता है तो यहाँ डाल देंगे। परचेज क्वांटिटी डालेंगे, सेल प्राइस सेट करेंगे, होल सेल प्राइस, MRP। इसी तरह इस आइटम के और भी बैचेस हैं तो इस तरह से डाल देंगे। अब हम आइटम का परचेज रेट डालेंगे। आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, परचेज रेट, परचेज प्राइस। परचेज रेट वो रेट होता है जो GST लगाने से पहले वाला रेट होता है। परचेज प्राइस वो रेट होता है जो GST लगने के
बाद वाला रेट होता है, आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अब हम पैकेजिंग बाय स्टॉक टाइप में एंट्री करना बताएंगे। पैकेजिंग बाय स्टॉक टाइप में वो चीज़ें आती हैं जो बल्क में परचेज करते हैं, जिनके हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग बना के सेल करते हैं। अब हम पैकेजिंग साइज नेम डालेंगे। पैकेट क्वांटिटी में हम सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए मैथमेटिकली 0.5 लिखेंगे, जिसका मतलब है आधा किलो। क्वांटिटी में हमने आधा किलो के कितने पैकेट बनाए हैं वो लिखेंगे। अब सेल प्राइस डालेंगे। होलसेल MRP। इसी तरह हम एक और पैकेजिंग बना लेंगे 1 किलो की। अब हम साइज कलर वाइज में एंट्री करना बताएंगे। साइज नेम लिखेंगे, कलर, क्वांटिटी, सेल प्राइस, होलसेल प्राइस, MRP। इसी तरह हम बाकी सारे साइज नेम लिखेंगे। अगर आप अपने स्टॉक को सीरियल नंबर वाइज मैनेज करना चाहते हो तो स्टॉक टाइप में सीरियल IMEI वाइज सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम उस आइटम के सीरियल नंबर लिखेंगे। कलर,
सेल प्राइस। होलसेल प्राइस, एमआरपी। इसी तरह हम उस आइटम के बाकी के सीरियल नंबर ऐड कर लेंगे। परचेज एंट्री सेव करने के बाद आप इन्वेंटरी पे चेक कर सकते हो कि आइटम्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।